हमने पिछले अपने कर्मों से, चाहे वो दवाइयों से, लाइफस्टाइल से, जो भी चीजों से, इतना डैमेज कर चुके हैं कि हमने आज से अच्छा फ्यूल, अच्छे खाना, अच्छा लाइफस्टाइल शुरू भी कर दिया, तो वो डैमेज जो हो चुका है उसको रिपेयर करने में बॉडी को कुछ टाइम तो लगेगा, तो उतने टाइम के लिए कोशिश करती रहनी पड़ेगी। ये तो पक्का है कि बॉडी हर दिन आपका काम कर रही है, हर पल काम कर रही है, तो वो बॉडी काम कर रही है, और जब बॉडी काम करती है तो कौन सी चीज बढ़ रही है, कौन सी चीज घट रही है, कितना घट रहा है, कई बार हमें समझ नहीं आता, मुझे भी समझ नहीं आता, लेकिन एक बात समझ आती है कि करते रहो, कुछ समय दो बॉडी को, है ना। जैसे आपका ही सवाल लें, ये तो कम नहीं हो रहा, कम से कम उतना तो रहे। ये सारी बॉडी की मिस्ट्री है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, समझिए इसको, आज एक्सपेरिमेंट करके देखिए। ब्लड शुगर चेक कीजिए अपना, जब भी चेक करना है। उसके बाद एक डरावनी मूवी देखिए, खूब डरावनी, और डरावनी मूवी देखने के बाद 3 घंटा हो गए, मतलब मूवी से जैसे ही खत्म हुआ दोबारा ब्लड शुगर चेक कीजिए, तो ब्लड शुगर तो बढ़ा जाएगा। डर से ब्लड शुगर बढ़ता है, नोसीबो इफेक्ट, जबकि खाया तो था नहीं कुछ। तो ये जो ब्लड शुगर है, ये इतने सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है कि उसको कॉम्प्रिहेंड करना, उसको समझ पाना कई बार इम्पॉसिबल हो जाता है। तो क्या हम समझें? हम ये समझें कि मेरी एनर्जी लेवल कितनी है, ये हम समझें, मेरी नींद कैसी है, ये हम समझें, ठीक है, मेरा पेन कैसा है, ये हम समझें, ये सब चीजें जो हैं ये राइट पैरामीटर्स हैं, और ब्लड शुगर को भी देखें। तो लेकिन अगर आपके बॉडी को 1 हफ्ता चाहिए तो चाहिए, किसी की बॉडी को 10 दिन चाहिए तो उसका ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि ये आप फॉलो करते रहें।